खरगोन में औद्योगिक क्षेत्र निमरानी में ग्राम पानुआ में पीडीपीएल कंपनी विगत 4 माह से बंद है। ऐसे में श्रमिकों का भुगतान नहीं होने की बात पर मजदूर जिला कार्यालय पहुंचे और समस्या से निजात पाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है। हम आपको बता दें कि कंपनी में 700 से 800 मजदूर काम करते थे और कंपनी बंद होने से मजदूरों के आर्थिक हालात खस्ता है और वो दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। इस दौरान शासन प्रशासन स्तर पर 6 सूत्रीय मांग का ज्ञापन देकर मजदूरों ने बताया कि उन्हें 4 माह का वेतन नहीं दिया गया, वहीं पीएफ की राशि भी बकाया है और श्रम विभाग को सूचना देने के बाद भी समस्या हल नहीं हुई। वहीं आगामी समय में उन्होंने आंदोलन की चेतावनी देकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए थे कि 3 महीने से कंपनी बंद है, लगातार बिना सूचना के बंद करी थी इन्होंने। 3 माह का पेमेंट बाकी है, जो कि कंपनी बंद 4 माह का है, कंपनी बंद करने के बाद डाला नहीं अभी तक। 27 माह का वर्करों का पेमेंट पीएफ बाकी है, अनुदान राशि, उसके बाद में 4 साल का स्टाफ का बाकी है, जो कि अभी तक डाला नहीं गया। क्या मांग करी है आपने? यही मांग करी कि हमारा जो भी भुगतान है वो भुगतान करे, उसके बाद ही कारखाना चालू करने दें, उनसे कारखाना नहीं चालू होगा। अरे इसके बाद भी समस्या हल नहीं होती तो आगे क्या कार्रवाई करोगे आप? आज के 2 महीने पहले श्रम विभाग में भी लेटर दे चुके, कलेक्टर साहब को भी दे गया, अभी डबल आए और इंदौर श्रम आयुक्त में भी दिया है, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या नाम है आपका? अरुण यादव। कहाँ रहते? कसरावत। पीडीपीएल पैराडक्टर इंडिया लिमिटेड जो कंपनी है वो विगत 4 महीनों से बंद है, 6 सालों से संचालित हो रही थी। अचानक बिना बताए वहाँ के सेठ श्रमिकों को धोखा देके और भग गए हैं। ना तो कोई नोटिस चस्पा किया है, ना तो कोई इनको जानकारी दी है। ये अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं और इतने परेशान हैं और ना तो इनके मैनेजमेंट के द्वारा कोई इनका फ़ोन रिसीव कर रहे हैं और ना कोई जानकारी दी है इनको। आज ऐसी स्थिति बन गई है कि कोई शासन प्रशासन के लोगों को बार बार अवगत करवाने के बाद में भी आज मजबूरन इनको कलेक्टर ऑफिस दोबारा आना पड़ा। अगर इनकी मांगों को जल्दी पूरा नहीं किया गया तो आगामी दिनों में हम बड़ा आंदोलन चालू करेंगे और जब तक इनका 4 महीने का सैलरी पीएफ और अगर कंपनी संचालन नहीं करना है और कंपनी को अगर जवाब नहीं दे रही और अगर कंपनी किसी को सेल कर दिए तो श्रमिकों का पूरा हिसाब करके वीआरएस दिया जाए, अन्यथा कंपनी को हम चालू नहीं करने देंगे। क्योंकि बड़े बड़े सपने दिखाकर यहाँ उद्योग लगाया था, मेरे क्षेत्र में मजदूरों के साथ ये छलावा, मेरे निमाड़ के भाइयों बहनों के साथ ये छलावा नहीं चलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ से बड़े बड़े सबमिट करवा रहे हैं, हम उद्योगपतियों का स्वागत करते हैं, उद्योगपतियों का स्वागत करते हैं कि इतने लोगों को उन्होंने रोजगार दिया, पर ये धोखेबाजी ये मेरे मजदूरों के और श्रमिक भाइयों के साथ नहीं चलेगी, क्योंकि बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है। और आपसे निवेदन है कि इसको, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है मेरा कि इसको तुरंत चालू करवाया जाए और कारखाना प्रबंधक जो मजदूरों को धोखा दे के भागे हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। क्या नाम है आपका? नरेंद्र पटेल, भारतीय मजदूर संघ। बाकी है 4 साल से और 4 महीने का पेमेंट और कंपनी बिना बताए बंद कर दी गई है। वो चालू करे तो ठीक है, नहीं तो हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। हमको मकान मालिक घर से निकाल रहे हैं, उनको कहाँ से पैसे दें, हमारे बच्चे उनकी फीस कहाँ से भरे। कितने लोग काम करते थे? 800-800। कब से काम कर रहे हैं आप लोग? 2015 से। अच्छा, बंद कब से हुई है? 4 महीने हो गए। क्या नाम है आपका? मंजू राकेश। कहाँ रहते हो? धर्मपुरी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।